नमस्कार दोस्तों, सरकार का बड़ा फैसला, पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल एप्स बैन किए गए। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को मोबाइल गेम पबजी के साथ 118 अन्य मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद लगाने का यह फैसला लिया है। जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। भारत ने 29 जून को लगाया था 59 ऐप पर बैन। गलवान में चीन के साथ झड़प के बाद चीन की आर्थिक कमर तोड़ने को भारत सरकार ने 29 जून को 50 से ज़्यादा चाइनीज ऐप को बैन करने का बड़ा फैसला लिया था। बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में ढेरों पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं और जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयर इट भी शामिल थे। ऐप्स को बैन किए जाने की वजह इसका चाइनीज होना ही नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम मानते हुए ऐसा किया गया है। करीब 59 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। इसके बाद अब 118 ऐप को बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है। यानी कि दोस्तों, पबजी सहित ये सारे ऐप जो 118 हैं इसके लिस्ट में हैं, अभी इसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन पहला नाम खुलकर सामने आ रहा है वो है पबजी, जो कि पूरी तरीके से भारत में बैन हो गया है। तो दोस्तों, आपकी इस पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं क्या आप पबजी खेलते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।